नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि मेरे पास एक और कमेंट आया था, बहुत ही अच्छा कमेंट है, जो कि हमारे प्यारे बहन भाई दोस्त जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में भी कोई भी सवाल है आप भी कमेंट करके पूछ लेना भाई, आप किस विषय में जानना चाहते हो। जो कि इन्होंने एक कमेंट किया है, सर 500 लोगों के लिए नाश्ता देना है। ठीक है, 500 लोगों के लिए इन्होंने नाश्ता देना है, और नाश्ते के अंदर है यहाँ पर क्या क्या खाना है इनका। 500 लोगों के लिए नाश्ता देना है, नाश्ते में काजू कतली, पनीर के पकोड़े, ठीक है, पनीर के पकोड़े और मिक्स पकोड़े, आलू के मिक्स पकोड़े। ठीक है, जैसे कि आलू काट ली, प्याज काट ली, पालक काट ली, आलू के मिक्स पकोड़े हो गए, ब्रेड पकोड़े और गोभी के पकोड़े। ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर कर ली है। इसके अलावा भाई कोल्ड ड्रिंक एयर, ये सारी चीज़ें करके इन्होंने यहाँ पर भाई रेट पूछा है भाई, कितना तो एस्टिमेट बन जाएगा और कितना सामान बनेगा। ठीक है, सभी चीज़ों के बारे में बताए, जरूर जानकारी दे। मान के चलते हैं भाई, हम सबसे पहले तो इन्होंने काजू कतली बोली है, तो काजू कतली का जो कि हम कॉस्ट निकालने वाले हैं भाई, हमारी काजू कतली कितनी लगेगी और क्या प्राइस में पड़ जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम मान के चलते हैं मैक्सिमम काजू कतली की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर 45 किलो की। ठीक है, एक व्यक्ति भाई 200 ग्राम काजू कतली खाएगा, 200 नहीं सर, सॉरी, एक व्यक्ति की हमने कॉस्टिंग निकालनी है। जैसे कि हम पहले तो ये देखते भाई 45 किलो काजू लग जाते हैं, हमारी जो काजू कतली है वो लग जाती है, जैसे कि 100 125 ग्राम की औसत निकलती है, आप कैलकुलेट कर लेना। मैक्सिमम भाई 45 किलो काजू कतली लगनी है यहाँ पर, हम काजू कतली बनाने की कॉस्टिंग निकालेंगे अब। ठीक है, 1 किलो यदि हम काजू लेते हैं तो 1 किलो उसके अंदर चीनी डालेंगे। ठीक है, 1 किलो चीनी डाल ली तो हमारी काजू कतली भाई थोड़ी सी फालतू हो जाएगी, थोड़ी नमी रहेगी भाई, 2 किलो या 2 किलो 200 ग्राम तक। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखना है, मैक्सिमम हमने 25 किलो काजू लेने हैं। ठीक है, जो भी रेट है भाई 700 750 800 रुपये का जो रेट है वो सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, जैसे कि 4 टुकड़ी काजू होते हैं वो काजू लेना आपने। ठीक है, साफ सुथरा हो और उस सस्ता मिल जाएगा थोड़ा। मैंने यहाँ पर 750 का रेट सेलेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर 18,500 रुपये काजू के हो गए हमारे, और लगभग भाई 25 किलो काजू के अंदर हमने चीनी कितनी डालनी है। ठीक है, 25 किलो काजू के अंदर आप 25 किलो चीनी भी डाल सकते हो, या थोड़ा नॉर्मल मीठा रखना चाहते हो तो 20 से 22 किलो चीनी डाल सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर 22 किलो चीनी का प्राइस लगा लिया है 880 रुपया। ठीक है, 880 रुपया लगा लिया है, तो एक सिलेंडर से थोड़ा सा कम ही लग जाएगा भाई, मान लीजिए एक सिलेंडर आधा सिलेंडर लग गया। ठीक है, मैंने भाई 480 रुपये गैस का खर्चा लगा लिया। ठीक है, उसके अलावा भाई टोटल खर्चा हमारा हुआ 21,000 रुपये, लगभग 20,100 रुपये। ठीक है, हमारा 20,100 रुपया हो गया। तो इसके अलावा भाई पनीर कितना लगेगा भाई, 500 लोगों के पनीर पकौड़े में। ठीक है, तो 15 किलो पनीर की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर, 15 किलो पनीर का जो रेट आपके पास है, मैंने यहाँ पर भाई 325 से 30 रुपये लगा लिया भाई, 300 से लेकर भाई 350 400 जो भी रेट है वो सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, जो कि 4800 रुपये हो गए हमारे यहाँ पर। ठीक है, पनीर के और पालक, ठीक है, मैंने यहाँ पर 25 किलो पालक कर ली, 20 किलो पालक कर ली, जो कि हम हरी चटनी बनाएंगे और मिक्स वेज पकोड़े उसके अंदर भी डालेंगे। ठीक है, पालक कर ली है, और आलू 20 किलो आलू की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर। ठीक है, आलू कर लिए 20 किलो, और 5 किलो प्याज कर लिए मैंने, जो कि मिक्सचर पकौड़ा बनाएंगे उसके लिए। ठीक है, और 40 पैकेट ब्रेड के, 40 पैकेट ब्रेड हो गए हमारे, और 30 किलो गोभी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और दो दो इमली पैकेट। ठीक है, और 20 KG हमने कर ली चीनी, 20 किलो चीनी, जो कि हरी चटनी बना, लाल चटनी बनाएंगे उसके अंदर, और चाय पानी के लिए। ठीक है, और 50 ग्राम लाल रंग किया है मैंने, और 250 ग्राम सोडा किया है मैंने, और 500 ग्राम बेकिंग पाउडर किया है मैंने, और 200 ग्राम पीला रंग किया। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं भाई, 1 किलो अनारदाना कर दिया मैंने, और 1 किलो साबुत धनिया कर दिया। ठीक है, 1 किलो लाल मिर्ची कर दी, और 1 किलो धनिया कर दिया पिसा हुआ,
100 ग्राम हींग कर दी मैंने यहाँ पर, और 5 पैकेट कस्तूरी मेथी कर दी है, और 6 बोतल सॉस की कर दी है, जो टमाटर सॉस की बोतल होती है। कई व्यक्ति ऐसे हैं भाई जो ब्रेड पकोड़े सॉस के साथ है, खाना पसंद करते हैं, चटनी के साथ नहीं, ठीक है। और 3 बोतल हरी सॉस की कर दी, ठीक है। और सौंफ कर दी मैंने 500 ग्राम यहाँ पर पकोड़े में डालने के लिए। अजवाइन भी कर दी मैंने, 40 किलो बेसन कर दिया है, और 5 किलो मैदा कर दी, ठीक है। और 3 किलो नमक कर दिया यहाँ पर मैंने, और 2 दर्जन केले कर दिए यहाँ पर, जैसे कि हमें चटनी बनाएंगे चटनी के ऊपर डालने के लिए, ठीक है। और रिफाइंड है जैसे कि केले के बाद हमने किशमिश कर दी है, ठीक है, किशमिश, और 2-3 रिफाइंड के कर दिए मैंने, रिफाइंड जो कि हमें पकोड़े बनाने के लिए, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद में देखते हैं हम, 500 ग्राम काला नमक कर दिया है, 3 पैकेट चाट मसाला कर दिया है, 3 पैकेट चना मसाला कर दिया है, 2 पैकेट गरम मसाला, ठीक है। और इसके अलावा हमने कर दिया है 2 गैस सिलेंडर, ठीक है, 2 गैस सिलेंडर, 2 किलो लहसुन है, और जैसे कि हरी मिर्च भी, और 1 टीन दही का, जो कि भाई दही हम हरी चटनी बनाएंगे और हरी चटनी के अंदर डाल लेंगे उस दही को, ठीक है। इस प्रकार से ये चीज़ें मैंने लगा करके, और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी है, कोल्ड ड्रिंक का भी पैसा लगा करके, जो कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 10 से 12, जो एक बोतल होती है 10 से 12 गिलास भर जाते हैं, ठीक है। इसके अनुसार आप हिसाब लगा सकते हो कोल्ड ड्रिंक का, ठीक है। ये टोटल लगभग आपके 51-52 हज़ार रुपया हो जाएगा, जो सारा एस्टिमेट जोड़ करके। गुजारिश करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद।